बेस्टी, सो हम पहुंच गए हैं लाजपत नगर और हम कर रहे हैं, जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि अभी वेडिंग सीजन चल रहा है और बहुत सारी वेडिंग्स आ रही है। एक्चुअली घर पे है, भाभी के भाई की शादी है, तो मैं खरीदने आई हूँ अपने लिए वेडिंग्स के लिए आउटफिट, लहंगे वहंगे। तो मैं देखती हूँ कि मेरे बजट में क्या मिलता है और क्या नहीं मिलता है, और मैं आपको सबको दिखाने वाली हूँ मैंने कितने का लिया, सब कुछ बताऊंगी मैं आपको। अभी फिलहाल हूँ मैं लाजपत नगर, मुझे सबसे कन्वीनियंट लगता है लाजपत नगर बिकॉज मेरे घर से पास में भी है और ज़्यादा इतनी भीड़ नहीं होती जितनी चांदनी चौक में होती है। सो लेट्स गो। मैं सोच रही हूँ कि मैं स्क्रैच से कोई आउटफिट बनाऊँ, तो लेट्स सी। हाँ बट ये बहुत रेड साड़ी है, इसमें और कलर नहीं है। आई लाइक दिस कपड़ा, ये तो कपड़ा दिस और दिस ब्लैक और मे बी ग्रीन, समझ नहीं आ रहा कौन सा कलर। ये तो सेम ही है, मतलब सर मन शादी के लिए ये मम्मी बनाएंगे, क्या बनाओगे इसका? साड़ी, सिंपल साड़ी पूरा नॉइस। मैं भी ले सकती थी, फिर मेरी मम्मी खरीदेगी, एक बार साड़ी पहनेगी फिर उसके बाद मैं चढ़ा लूंगी। सो अभी हम ये देखने आए हैं, ये ब्लू वाला, वी हैव दीस कलर्स, आई थिंक पिंक, मेरे पास रेड है, पिंक या ब्लैक। ब्लैक दिखाना भैया खोल के, वी विल ट्राई किया मैं स्प्लिट कर दे, ये इजी पड़ेगा और सस्ता भी पड़ेगा। इसका घेरा, हाँ मेरे पास है ऐसा रेड में, बड़ा सुंदर है ये। अगर सिंपल सा हम लहंगा लेंगे और उसके ऊपर ब्लैक लगाएंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा, पिंक कलर भी अच्छा लग रहा है, रेड है वाइट है, और मैं पिंक के साथ करवा लूँ इसे मैच। और दिस वन कौन सा जा रहा है भैया आप बताओ ना, आपको स्लिट के हिसाब से पहनना तो इसके साथ अच्छा पहनना, इसके साथ नहीं, फिर मैं ब्लैक लूंगी ना। हाँ तो ब्लैक ले लो, ब्लैक ले ले फिर इसके साथ, ब्लैक ले। नहीं नहीं तो मैं पिंक भी लूंगी ना, मैं दो दो ले जाऊंगी। आप ये बताओ, आप अभी मुझे ये बताओ इसके साथ मेरे को अच्छा लगा, इसके साथ ज्यादा अच्छा लगा या इसके साथ? इसके साथ ज्यादा है, तेरा एकदम से नहीं जा रहा, तू भी रख के देखना एक जगह पता है। हाँ मतलब पता नहीं क्या क्या कराना पड़ेगा इसको, बताना भैया, कुछ नहीं करवाना है, थोड़ा सा है नीचे से हो सकता है, कपड़े पहने उसके हिसाब, पर टिक टिकने का नहीं है, ये टिकने का नहीं, ये टिकने का, ये तो बहुत गैपिंग है यहाँ पे, इसको ऐसा होना चाहिए। मुझे बड़ा पसंद आया, बट ये इतना ओपन है, समझ नहीं आ रहा इसका क्या होगा। जैसे ये अभी नेक में ऐसे कर सकते, मुझे ऐसा कपड़ा लेके बनवाना पड़ेगा फिर ऐसे डिजाइन में, बहुत मेहनत करनी पड़ रही है, भाई महंगा भी बहुत है, है ना ब्लाउज बहुत महंगा, ऊपर से स्लिट होगा कि नहीं होगा पता नहीं है, वरना पिंक ले लूंगी, पिंक ले लूंगी, वरना फिर ब्लैक वाले का बनवाना पड़ेगा, मुझे कुछ करना पड़ेगा, ब्लैक स्लिट पहनने का मन है, पहनना पिंक ही ले ले, इस टाइप के यहाँ पे ब्लाउजेज भी मिल रहे हैं, फैंसी, वेरी वेरी टेलर को चलो चलो रीसेंट कहानी बताती हूँ, टेलर पे चलते हैं, मुश्किल लग रहा है वैसे बनवाना, तो हम इसको ही स्लिट करवा रहे हैं बिकॉज ये बन जाएगा ऑन बजट, लाइक इसको अगर हम स्लिट करवा लेंगे तो ये ऑन बजट रहेगा, बहुत मेहनत है। बाय द वे हम एक शॉप पे गए थे, उस शॉप पे मुझे एक लहंगा पसंद, पहले तो मैं प्लाजो के लिए गई थी, प्लाजो का ना बड़ा अजीब सा था नीचे का, फिर मैंने एक लहंगा पसंद किया, वो लहंगा 12,000 बोला उन्होंने और मेरे को पसंद आया, मैंने कहा चलो खरीद लेते हैं 12,000, इट्स नॉट बैड, बट 12,000 के बाद मतलब 12,900, मैंने कहा हम नहीं कर पाएंगे, ही सेड 12,000 देन आई स्टिक विद द 12,000 ओनली, तो अब मेरे पास है ऑप्शन और उससे सस्ते में, तो आई गेट इट डन दिस वन। ये को देखो बहन कहाँ बांधना आपको, ठीक है, working on it, slit कर चुके हैं बहन, किसको दिखा रहे हैं, किसी को दास है, दिखाई दिखाई पकड़िए पकड़िए पकड़िए, दिखाइए का बाद में पहले कटवा लीजिए, ठीक है मम्मा पकड़ो से, कितना आ गया, हां 40 से आ गया, लुक कर दो फुल लुक वाला सीन। ना तो दुपट्टा ढूंढ रहा, मुझे भी पसंद है दुपट्टा, ये भी जा सकता है, जा सकता है, बट भैया ने निकाल दिया, वो ज्यादा सुंदर है,
आई थिंक बहुत ज़्यादा जाएगा द ब्लैक वन। मुझे ये स्कर्ट भी बड़ी पसंद आई, मम्मा हटना ज़रा, बड़ी सिंपल सी और प्यारी सी, पहले इसमें और कलर होता तो मैं ले लेती। लेट्स सी दुपट्टा देखते हैं, मेरा ब्लाउज बनने को चला गया, हमने टेलर को दे दिया तो स्कर्ट भी अब देख दुपट्टा का। स्कर्ट सा ब्लाउज होना मिलन चाहिए बनने के लिए, बोल के जाएंगे अभी ब्लाउज गोल्डन जाएगा मम्मा उसमें। Struggles going on. I like the dupatta. It's very sundar. Done now. The whole set is done. Black का whole set बन गया, उसके ऊपर का भी बन गया। अब pink का set ढूंढने जाना है। मैं सोच रही हूँ orange blouse लूँ या फिर pink। मामा phone करेगा। Looking for pink blouse. Shop पे फिर भैया के पास आए हैं। क्योंकि और जगह अच्छे blouse नहीं मिल रहे हैं, यहाँ पे थोड़े ढंग के blouse मिल रहे हैं तो। मल्टी कलर ब्लाउज है बिल्कुल, ये ब्लैक के साथ भी जाएगा, मेरी ब्लैक स्कर्ट के साथ भी जाएगा, अच्छा लग रहा है कॉम्बिनेशन। मम्मा को ब्लाउज पसंद भी आया, मैं भी पहन सकती हूँ ना, ब्लाउज ले लिया, अब हमें उसका दुपट्टा लेना है। मैं शूट भी नहीं कर पा रही हूँ भाई, शॉपिंग इज़ डन, अब हम घर जा रहे हैं। मतलब बहुत कुछ ले लिया है मैंने और सस्ता ही लिया, अच्छी बात ही है क्योंकि वैसे भी ये वाले कपड़े रिपीट नहीं होते हैं। आज सेकेंड डे है, हम लाजपत नगर फिर से आए हैं एंड ये हमारे साथ आए हैं। मैं सिर्फ एक ब्लाउज लेने आई हूँ, मम्मी सिर्फ पेटीकोट लेने आई है, भारतीय हमें कंपनी देने आई है, मुझे खींच के लाई याद लोग अपने इयररिंग्स देखने के लिए। तुझे भी तो कुछ ऐसी मुझे सिल्वर या फिर ब्लैक, वो ही सुंदर लग रहा है। तूने भी सेम बोला क्या? हाँ ये सुंदर नाइस, ये भी अच्छा है। दिस इज आल्सो वेरी नाइस, शो मी शो मी शो मी, दिस इज लाइक सो मी, या दिस इज सो मी, ये मस्त लगेगा, प्रीटी है बट फिर ये शादी के लिए ठीक है, बट मेरे शादी ये वाइट है ना, इसमें इट शुड बी लाइक प्रॉपर ब्लैक, मेरा आउटफिट ब्लैक है ना, बट मेरा आउटफिट ब्लैक है ना, ब्लैक भी देख लो, पर मुझे अच्छा लग रहा है, प्रीटी है। गोइंग ऑन हमें मिल नहीं रहा, ये हमारा चल रही है, बिंदिया खरीद रहे हैं, बिंदी खरीद चुके हैं बस हम लोग यहाँ, और वो बिंदी भी बिंदी, मैं तो माथे में नहीं लगाऊंगी, हर जगह लगाऊंगी माथे में, दिखता ही नहीं है माथे में नहीं लगाऊंगी, तो गंदा शॉट किया। मुझे चाहिए थी ऐसी, ऐसे हाँ ऐसी तो लगती है, नहीं मैं तो बहुत अजीब लगूंगी फिर से। तेरे पास ब्लैक है क्या? मैं तेरी बात नहीं, मेरे पास जो है ब्लैक पता नहीं, रोपर आ जाएगा लगने के बाद, अच्छा लग रहा है, नग निकला हुआ है, कोई नया हो दिखा दो इसी, उसमें हमें का नकली जूड़ा हो रहा है, यहाँ पे एक रबर बैंड लगा दो, ये भी जूड़ा बना। हाँ ठीक है ठीक है, इट्स मैजिक, इट्स मैजिक, ये लो ये बात इसके अंदर आ गया, ओ नाइस, नाच नहीं सकते पर मैं नाच नहीं सकते पर नहीं नाच लूंगी, और वो रबर बैंड से टाइट होगा ना तब। ब्लैक वन बिकॉज मैंने ब्लैक लहंगा लिया है और ये बहुत सुंदर है, ये मैंने खरीदा था 200 रुपीज का, सो या इट्स वेरी वेरी ब्यूटिफुल, मुझे बहुत बड़े बड़े ना कान के मुझे बड़े पसंद है। और सेकेंड आई बॉट दिस वन मेरे पिंक लहंगे के लिए, ये मेरे दोनों पिंक लहंगे में चले जाएगा, इसमें मांग टीका भी है, ये था 450 रुपीज का, और पर ये ना इसका ना एक छोटा सा नग निकला हुआ है, छोटा सा बिल्कुल दिखेगा नहीं, तो हमने भैया को दिखाया और हमने 300 रुपये में ले लिया ये। ये बहुत सुंदर, इसका स्टाइल भी बहुत ही अलग है, और मैंने ये दो रिंग्स खरीदे हैं, ज्वेलरीज में ज्यादा कुछ नहीं खरीदा, मेरे पास और ज्वेलरीज भी पड़ी है तो हम उसको मिक्स एंड मैच कर लेंगे। ये दो रिंग्स खरीदे 50 रुपीज के, 100 रुपीज के, जिसमें से एक रिंग टूट गई थी, हमने फेविक्विक से चिपका रखा है, जुगाड़ कर रखा है। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, आप लोग सोच रहे होंगे मैंने क्या क्या खरीदा है, ये मैं आपको नेक्स्ट यूट्यूब वीडियो में दिखाऊंगी, नेक्स्ट हॉल वीडियो इज कमिंग ऑन संडे, उसमें मैं आपको दिखाऊंगी मैंने अंडर बजट 5000 के अंदर मैंने क्या क्या खरीदा है, मतलब यू कैन मेक अ ड्रेस फॉर लाइक समथिंग, बिकॉज आई डोंट वांट टू स्पेंड टू मच मनी ऑन एथनिक वेयर बिकॉज वो रिपीट नहीं हो पाते हैं। मैंने भाई की शादी में जो लहंगा लिया था वो बड़ा महंगा था, पर मैंने उसे सिर्फ एक ही बार पहना और आज तक मैं दोबारा उसको रिपीट भी नहीं कर सकती हूँ। तो या प्लीज वॉच माई अनदर वीडियो फॉर द हॉल वीडियो, मैंने कैसे बनाया है, बिकॉज आई एम मेकिंग द स्लिट वाला स्कर्ट, वो आप सबको आपको नेक्स्ट यूट्यूब वीडियो में दिखेगा। फर्स्ट स्टे ट्यून एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज डू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एंड लव यू। Bye besties, bye.